डिनर के समय कुछ देखने का मन किया, नेटफ्लिक्स खोला और 20 मिनट स्क्रॉल किया। इन द एंड खाना खत्म हो गया लेकिन डिसाइड नहीं हो पाया कि देखे क्या। क्या ये आपके साथ होता है? दिस इज कॉल्ड चॉइस पैरालिसिस, जहाँ ज्यादा चॉइसेस होने की वजह से हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि करना क्या है। ये आइसक्रीम फ्लेवर चूज करते समय होता है, दोस्तों के साथ डिनर प्लान्स बनाते समय और कोई मूवी या सीरीज स्टार्ट करने के पहले तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि हम जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उतने ज्यादा चॉइसेस सामने आते हैं। बट सॉल्यूशन क्या है? अपने चॉइसेस को कम रखो। अक्सर स्ट्रीमिंग कंपनीज यही करती हैं। इट हेल्प्स यू मेक अ चॉइस, मीम्स के जरिए, ट्रेंड्स के जरिए, प्रोमोस के जरिए। सिमिलरली आइसक्रीम पार्लर्स अपने मेनू को लिमिटेड रखते हैं, बदलते सीजन में नए नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करते हैं और पुराने वाले निकाल देते हैं, बिकॉज़ टू मेनी चॉइसेस आर इक्वल टू नो चॉइस एट ऑल। इससे इजी सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने वाइफ पर छोड़ दीजिए।